नमस्कार, हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो आपके लिए उपयोगी है, और जानकारियां भी उपयोगी हो सकती है और किसी प्रकार की कोई दवाई भी उपयोगी हो सकती है। तो योग के साथ साथ कई बातें ऐसी बताते हैं जो मेडिसिनल प्लांट से जुड़ी हुई होती है। ऐसी ही एक औषधि हमारे हाथ में है जिसका जो नाम है उसको आम भाषा में साटा कहते हैं। साटा, साटा यानी पुनर्नवा, अगर हिंदी शब्द कहें तो पुनर्नवा है। मैं डॉक्टर मनोज शर्मा, योगाचार्य, आपके लिए ये कुछ बातें अब लाने की कोशिश करूंगा, और कुछ ऐसी वनस्पतियां जो हमारे घर के आसपास होती है उनका लाभ क्या है, लेकिन इसके बारे में विशेषज्ञ बताएं तो ज़्यादा इफेक्टिव बात आएगी। हमारे साथ डॉक्टर लीलाधर जी शर्मा हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ों की आप ट्रेनिंग देते हैं। आज जब हमारे मन में आई कि आपसे बात करें तो आपने कहा पुनर्नवा पे हम बात करते हैं, तो ये मेरे हाथ में पुनर्नवा है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसकी पुनर्नवा के अलावा और क्या नाम इसका रखा गया? स्थानीय भाषा में जैसा कि आपने बताया इसको साटा कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र का नाम पुनर्नवा है। लैटिन में इसका नाम बी होर्विया डिफ्यूजा है। ये स्थानीय खरपतवार के रूप में पाया जाता है। एक वर्षीय भूस्तारी पादप है। एक साल तक ये जमीन पे रहता है। एक सीजन में ही रहता है, एक सीजन में, लेकिन मिनिमम एक साल पानी मिलता रहे परिभाषित तो किया हुआ है। ये भूस्तारी है, धरती के ऊपर फैलता है। जैसे देखो ये दिखा देते हैं, आपको पहचान जरूर होनी चाहिए। ये पौधा जो है ये ऐसे ऐसे फैलता है, और आपको ये पत्ते, बड़े छोटे पत्ते, लेकिन एक ही जैसे पत्ते होंगे। ललाई थोड़ी सी इसके किनारों पर होगी, और इसकी डाली में भी आप देखें, डंठल में भी ललाई सी थोड़ी सी आपको मिलेगी। आप देखें, ये जो साटा है ये सफ़ेद साटा है, इसमें कहीं भी ललाई नहीं है। किसी भी जगह ललाई आपको ना पत्ते पर ना इसकी डंठल में, और डंठल भी थोड़े छोटे हैं, लेकिन कहीं भी आपको ललाई नहीं दिखेगी। ये सफ़ेद साटा है और वो लाल साटा था, तो दोनों साटे अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो औषधियों में उपलब्धता के अनुसार दोनों साटों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो श्वेत पुनर्नवा यानी सफ़ेद साटा है वो उत्तम है, ज़्यादा उत्तम है, ज़्यादा उत्तम। अच्छा, जो जड़ और उसका उपयोग लेते हैं लीवर के रोगों में वो यही? हाँ, ज़्यादा इसी का, जहाँ तक संभव हो अगर सफ़ेद साटा मिल जाता है तो उसी का प्रयोग करना चाहिए। औषधि है, क्योंकि हम कहते हैं कि हर वनस्पति औषधि है, पता होना चाहिए। तो यही आज का उद्देश्य हमारा यही है कि ये वनस्पतियाँ औषधि हैं, इसका पता तो हो हमें। तो इसकी शुरुआत हमने पुनर्नवा से की है। क्या काम आता है पुनर्नवा, क्या चीज़ है? मैं इसके पहचान के विषय में थोड़ा हाँ जरूर और बताइए, बता देता हूँ। प्रत्येक पादक हो, चाहे खरपतवार हो, पेड़ हो, उसकी सैकड़ों प्रजातियाँ होती हैं। इसकी भी बहुत प्रजातियां हैं। मुख्य रूप से ये दो तरह का होता है, रक्त पुनर्नवा और श्वेत पुनर्नवा। अच्छा, यानी लाल साटा और सफेद साटा। इसकी पहचान ये है कि जो रक्त पुनर्नवा होता है उसकी ये डंठल है, ये लाल ललाई लिए हुए मिलेंगे। अच्छा, और श्वेत पुनर्नवा है उसके डंठल श्वेताभ यानी सफेद रंग, अच्छा सफेद रंग में मिलेंगे। इसका प्रसार है वो 4 से 6 फीट दूरी तक फैलता ही है, लेकिन फैलता धरती के ऊपर ही है, ऊपर नहीं चढ़ता। ये तो हुई इसके स्वरूप की पहचान। अब बात करते हैं इसके औषधि महत्व की। मैं हमारी जो आयुर्वेद की वनौषधियां हैं उनके विषय में एक नया आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक औषधि का अपना फार्माकोपिया है, उसके अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बारे में भी। इनमें पुनर्नाविन एक एल्केलॉइड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है, मिनरल्स होते हैं, क्लोराइड और फ्लोराइड भी होते हैं। इस तरह से इसमें ये एक्टिव प्रिंसिपल इसके होते हैं, ये अपने अपने तरीके से शरीर में काम करते हैं। अब ये आपने इसकी टेक्निकल बातें जो है वो बताई हैं, अब इस टेक्निकलिटी को आप स्वास्थ्य से कैसे जोड़ेंगे? हाँ, ये औषधीय प्रयोग जो इसका है वो स्वास्थ्य से जुड़ता है। ये पुनर्नवा मुख्य रूप से शोथ रोग, यानी शोथ यानी सूजन, अगर कहीं भी सूजन हो
कहाँ पर सूजन? नहीं, एकांग स्वेदन सूजन जो है यानी किसी चोट के कारण है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो लीवर डिजीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी की डिजीज है, उसमें पूरे शरीर पे सूजन आ जाता है, ठीक है, सोथ वो है सर्वांग सोथ, सर्वांग उस रोग में ये काम में आती है, तो वो सोथ यहाँ ये परिभाषित है। अच्छा, सोथ रोग, कामला रोग यानी पीलिया, पीलिया में, अच्छा पीलिया में साटा काम आता है, पीलिया यकृत से संबंधित बीमारी, यकृत सोथ हो चाहे यकृत वृद्धि हो उसमें ये काम में आता है, ठीक है। रक्ताल्पता, खून की कमी, हृदय रोग, मूत्र व संस्थान के जितने भी रोग हैं, चाहे वो मूत्र अवरोध हो, मूत्र साध, मूत्र संग, वृक्कासमरी, मूत्रासमरी, जितने भी मूत्र व संस्थान के रोग हैं उसमें ये काम में आती है, ठीक है। मूत्रासमरी और ये क्या शब्द जो है हमारे दर्शकों समझ में आ जाए, क्या है ये? मूत्रासमरी का अर्थ है मूत्र मार्ग में बनने वाली पत्थरी, पत्थरी, पत्थरी की बात है। अश्मरी का मतलब पत्थरी होता है। मूत्र साध का मतलब है मूत्र की मात्रा कम होने के कारण मूत्र का रुक जाना, रुक जाना, रुकावट जो है। मूत्रावरोध का मतलब है मूत्र बन तो रहा है लेकिन रुक रहा है, रुक रहा है, बाहर नहीं आ रहा, वस्ती से बाहर नहीं आ रहा, उसको कहते हैं मूत्रावरोध, रिटेंशन ऑफ यूरिन जी। अब ये उसमें काम आता है जी, अगर घरेलू उपचार के रूप में इसको काम में लेना चाहें, आपके दवाइयां तो इसकी बहुत आती होंगी पुनर्नवा की, लेकिन घरेलू उपचार में अगर काम में लेना चाहें तो कैसे काम में ले सकते हैं? हमारे इस पुनर्नवा के आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस आते हैं, शास्त्रीय योग है, अर्क पुनर्नवा है, पुनर्नवादी मंडूर है, पुनर्नवादी गुग्गुल है, पुनर्नवा अष्टक्वाथ है, लेकिन ये प्रिपेयर्ड आते हैं और उनको बनाने का अधिकार फार्मेसीज को ही है जी। घरेलू स्तर पर यदि हम बात करें इसको तैयार करने की, तो इसके स्वरस के रूप में हमें इस काम में ले सकते हैं। इसका स्वरस होगा, स्वरस कैसे निकाले जी, के स्वरस निकलेगा पत्तियों का। तो इसके एक डोज की बात कर रहे हैं, 20-30 पत्तियां ले ले, उनको अच्छी तरह से साफ कर लिया, साफ करने के बाद में उनको पीस लो, पीसने के बाद में उसकी चटनी से जैसा बन जाएगा, साफ कपड़े में लेके और उसको अच्छी तरह से दबाएंगे तो उसमें से इसका स्वरस निकल जाएगा। ये आयुर्वेद की स्वरस कल्पना के अंतर्गत इसकी औषधि तैयार हो गई। इस स्वरस की मात्रा 5-10 ml यानी 1-2 चम्मच, ये इसके स्वरस की मात्रा है। 1-2 चम्मच ले सकते हैं, खाली पेट लेना है, भरे पेट लेना है, वो रोग के अनुसार जी डिपेंड करता है जी। दूसरी इसकी जो कल्पना हम बना सकते हैं, मूल की जड़ की, जड़ की पीलिया में जैसे हम देते हैं, तो पीलिया में जड़ को इकट्ठा करो, इकट्ठा करके ये थोड़ा पीसने में थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी पीस सी जाती है आराम से, तो इनको इकट्ठा करके और सिलोडे पे पीस ले, पीसने के बाद में वो चटनी रूप बन जाए, तब उसी जैसे पत्ते का स्वरस निकालते हैं वैसे इसका भी स्वरस निकाल लेते हैं। इसकी भी मात्रा स्वरस की 5-10 ml यानी 1-2 चम्मच। इनका चूर्ण भी काम में आता है। अच्छा, चूर्ण के रूप में इसके जड़ को सुखा ले, सुखाने छाया में सुखाने के बाद में वो एकदम सूख जाती है, जब पूरी सूख जाती है तब वो उसको पाउडर फॉर्म आराम से हो जाता है, उस चूर्ण को बना करके रख ले पानी के साथ कंटेनर में, और इसका चूर्ण की मात्रा है 1 चम्मच यानी 5 ग्राम, 5-6 ग्राम। ऐसे ही पत्तियां छाया में सुखा ले, छाया में सुखाने के बाद में जब वो पूरी सूख जाए तो उनको रगड़ के पाउडर बना ले और उसको कंटेनर में डाल उसको भी काम में ले सकते। अच्छा, ये आपने घरेलू प्रयोग के रूप में इसको तैयार करना बताया, अब अगर जैसे कोई रोग हो जाता है तो क्या एक स्वस्थ व्यक्ति या रोग के बाद में व्यक्ति कैसे ले सकते हैं? अगर थोड़ी संभावना होगी मुझे मूत्र संबंधी विकार हो रहा है, मुझे लीवर से संबंधी डिजीज हो रही, लीवर कमजोर है, पाचन शक्ति कमजोर हो रही है, तो क्या ये लिया जा सकता है? देखिए, रोगी को अपना निदान स्वयं कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई शरीर में विकार या पीड़ा अनुभूति होती है तो सबसे पहले आयुर्वेद चिकित्सक को इसका परामर्श करना चाहिए, औषधि का परामर्श करें। आयुर्वेद चिकित्सक है वो इसको अच्छी तरह से समझा भी देंगे, समझता और भी है। वो उसकी बीमारी को भी समझ लेंगे जी। तो कम से कम अपनी जो बीमारी है या कोई भी शरीर में पीड़ा की अनुभूति है या कोई भी एबनॉर्मलिटी महसूस हो रही है तो उसके बारे में कम से कम एक बार आयुर्वेद चिकित्सक से उसका निदान अवश्य करवाई जी, उसकी देख रेख में फिर इसका सेवन किया जा सकता है जी। तो ये पुनर्नवा हमारे हाथ में है, साटा जिसको कहते हैं, ठीक है, इसका बहुत सारे ट्रीटमेंट इससे किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी
आपके आसपास जहाँ भी हमारे जो वीडियो हैं वो पूरे भारत भर में देखे जाते हैं और यूपी से महाराष्ट्र से बहुत फ़ोन आते हैं, तो वो लोग हमें पूछते हैं कि इसका इलाज बताइए, इसका ट्रीटमेंट बताइए। हमने आपको ये औषधि बता दी है, ये पूरे भारत में लगभग होती होगी या राजस्थान में ज़्यादा? मरुस्थलीय क्षेत्र में तो कम से कम होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में यानी हमारा राजस्थान और गुजरात का जो एरिया है इसमें ये मिल जाएगा। तो ये जो औषधि है ये लीवर से लेकर और मूत्र संबंधी विकारों तक लाभ करती है, लेकिन चिकित्सक परामर्श जरूरी है। आपको जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो इसको बहुत अच्छी तरह जानते थे और इसका साटे का, इसका जड़ का उपयोग लीवर की जैसे पीलिए में काम में लेते थे। तो ये काढ़ा बना के देते थे। तो ये काढ़े का और ये थोड़ा सा आपको प्रयोग जो है समझना ज़रूरी है। आयुर्वेद चिकित्सक के पास एक बार आप समझ लें, फिर उसके बाद में आप इस औषधि का उपयोग करें। तो हमारा उद्देश्य इसकी जानकारी देना है और ये जानकारी लोप होती जा रही है, धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। आपको पता चले कि ये जो है ये औषधि है और ये ख़राब ना हो, कहीं अगर होती हो तो उसको सुरक्षित करने की कोशिश करें, ये हमारा उद्देश्य है। तो वैद्य लीलाधर जी शर्मा ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम आपको एक बात बता दें कि ये हमारा अब क्रम शुरू हुआ है, पहला क्रम हुआ है पुनर्नवा के ऊपर। इसके बाद में डॉक्टर साहब क्या क्या आप और इच्छा रखते हैं जिनके बारे में बताने की है, आपकी क्या सिक्वेंस है? मैं आयुर्वेद विभाग का चिकित्सक हूँ, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास मेरे विभाग के प्रति यही रहना चाहिए कि हमारी जो ये पारंपरिक औषधियाँ हैं उनका जो संरक्षण के अभाव में और ख़त्म हो जाती है और उनका उस औषधीय प्रयोग नहीं हो पा रहा, मेरा ये प्रयास रहेगा हर एक वनौषधि जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सबको जानकारी दूँ जी। बहुत बढ़िया बात है। तो त्रिनेत्र टीवी के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि ऐसी औषधियाँ आपके सामने हो। हम नेचर पार्क में खड़े हैं, चूरू का नेचर पार्क एक ऐसा पार्क है जिसमें सारी औषधियाँ लगभग हमें शायद मिलने की संभावना रहेगी। और यहाँ जो वृक्षों को लगाया गया है इसके स्वरूप को बनाते हुए बड़ा सुंदर स्थान है, ऐसे सुंदर स्थान से हम कुछ औषधियाँ निकालेंगे और उन औषधियों को आप तक पहुँचाएँगे। आप इनको पहचानें, इनको काम में लें, आपके घर में काम आए। केवल अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है, अनुभव लेने के बाद में ही काम में लें और बीमारियों का भी डायग्नोस होना ज़रूरी है। हमारा उद्देश्य केवल इनकी जानकारी है, ना कि इनका चिकित्सकीय कोई परामर्श हमारा देना उद्देश्य है। तो अब हम इजाज़त लेंगे और आगामी जो कार्यक्रम है, आगामी जो औषधि है वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो डॉक्टर लीलाधर जी शर्मा से हम इजाज़त लेते हुए और मेरे साथी दिव्यांशु के साथ मैं डॉक्टर मनोज शर्मा, त्रिनेत्र टीवी के लिए ये निरोगी काया हमारा कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।